वीके न्यूज राष्ट्र के नाम। अभी दो दिन पहले ही हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और महामना पंडित मालवीय जी की जयंती गई है। वाजपेयी जी ने यूपी के लिए एक स्वप्न दिखा था, वो स्वप्न को प्रधानमंत्री मोदी जी और मुख्यमंत्री योगी जी पूरा करने के रास्ते पर चले हैं। एक यात्रा लेकर 5 साल तक विकास का अनुष्ठान किया है। और मित्रों, इस समाजवादी पार्टी जिसने कार सेवकों पर गोली चलाई थी या नहीं चलाई थी, कार सेवकों पर डंडे चलाए थे या नहीं चलाए थे, जो मंदिर बनने देना नहीं चाहते हैं। अखिलेश बाबू, जितना दम हो रोक कर देखो, मोदी जी ने भूमि पूजन कर दिया है, देखते देखते अयोध्या में राम लल्ला का गगनचुंबी मंदिर बनने जाने वाला है। आप नहीं रोक सकते। औरंगजेब के जमाने से बाबा विश्वनाथ का दरबार सुना सुना दिखता था। अभी कुछ दिन पहले मोदी जी ने विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, देखा है ना सबने, टीवी पर देखा है ना। आज अब भारत में से कोई भी श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने जाता है, उसके कलेजे को ठंडक पहुंचती है। मित्रों, ठंडक पहुंचती है। आज बाबा अपने दरबार के साथ शान से बैठे हैं और सभी श्रद्धालु जाकर वहां कहते हैं, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। ये कोई काम सपा बसपा कर सकता है क्या? जोर से बोलो, कर सकता है क्या? अरे भाई, उनकी तो एबीसीडी ही उल्टी थी। वो ए से, ए का मतलब उनके लिए आतंक और अपराध था, बी का मतलब भाई भतीजावाद था, सी का मतलब करप्शन था और डी का मतलब दंगा था। अभी अभी एक इत्र के समाजवादी व्यापारी पकड़े गए हैं। अखिलेश जी को बहुत मचलन हो रही है, क्यों रेट डालते हो। घर में से कितना रुपया निकला मालूम है? 250 करोड़ रुपया निकला, 250 करोड़ रुपया। अखिलेश जी, ये रुपया कहां से आया जरा हिसाब दीजिए। देना चाहिए नहीं देना चाहिए। हमें कहते हैं रेड मत करो। मोदी जी ने तय किया है भ्रष्टाचार करने वालों की कानी पाई भी उल्टी कर जनता के खजाने में वसूल कर दी जाएगी। मित्रों, और मैं जब 2017 में प्रचार करने आता था तब कहता था, उत्तर प्रदेश को हम सुरक्षित बनाएंगे। हंसते थे लोग, ये पत्रकार मित्र भी हंसते थे, मगर आज देखिए साहब, जनता को पलायन करने वाले गुंडे खुद पलायन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी की हिम्मत नहीं है मां बेटी बहन के सामने नजर उठाकर देखने की। ऐसा राज यहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। गुंडे खुद सरेंडर कर रहे हैं। मित्रों, हम संसद के अंदर एक बिल लेकर आए। बिल क्या था? धारा 370 हटाने का। मुझे बताओ भाई सुल्तानपुर वालों, धारा 370 को हटाना चाहते हो या नहीं चाहते हो? हटानी चाहिए या नहीं हटानी चाहिए? ये अखिलेश, सपा बसपा, कांग्रेस, कम्युनिस्ट, जन सारे विरोध कर रहे थे। क्यों भाई? मैं आप सबको अभी भी बताता हूं, हमारा प्रण था कि 370 को समाप्त करेंगे। 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने ये प्रण को पूरा कर धारा 370 को समाप्त कर दिया है। और आज हमारा कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना है। आतंकवाद
पूरी तरह से नाबूद हो, इस प्रकार से वहां विकास की बयार जा रही है। मित्रों, ये सुल्तानपुर के अंदर 24 घंटा बिजली देने का काम शुरू हो गया है। यहां मेडिकल कॉलेज बनाया गया, नवोदय विद्यालय बनाया गया, पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाया गया, ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया, जिला अस्पताल बनाया गया, ट्रॉमा सेंटर बनाया गया, पूर्वांचल एक्सप्रेस बनाई गई। कोई विद्युत स्टेशन नहीं थे, अब विद्युत स्टेशन बनाए जा रहे हैं। और मैं आज एक बात कहकर जाता हूं, फिर से भाजपा सरकार बनने के बाद 40 वर्ष पुरानी चीनी मिल का नवीनीकरण भी होना है और विस्तार भी होना है। एक ही जनपद में 5 पुल बने हैं। जनपद में क्षेत्र के अंदर 90 किलोमीटर में गोमती पर 12 पुल बन रहे हैं। विकास के इतने सारे काम 7 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। आज भी अभी कानपुर में मेट्रो को झंडी दिखाकर मोदी जी चालू कर रहे हैं। मित्रों, विकास भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई नहीं कर सकता। फिर से एक बार आपका आशीर्वाद चाहिए। आपका आशीर्वाद मिला तो उत्तर प्रदेश को हम देश में नंबर 1 राज्य बना कर देंगे, नंबर 1 राज्य। मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाएंगे क्या? जोर से बोलो, दबाएंगे? भाजपा सरकार बनाएंगे? 300 पार जाएंगे? योगी जी के हाथ मजबूत करेंगे? मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे? तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, मुट्ठी बीच कर प्रभु श्री राम का जयकारा लगाइए, बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। वंदे वंदे वंदे। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल VK News, राष्ट्र के नाम।